नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ एक खबर छाई हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। 6800 मामले में कोर्ट ने लगाई रोक, अब नियुक्ति नहीं। आखिर इन आरक्षण पीड़ित छात्रों के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हमारा चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी ये सवाल पूछता है सरकार से भी और कोर्ट से भी। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रिपोर्ट लगा दी है और सरकार खुद मानी है कि 6800 के जो हमारे फोर्थ लिस्ट वाले भाई बहन हैं उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया गया, उनके आरक्षण पर कुठाराघात किया गया है, आखिरकार इतनी मानसिक प्रताड़ना क्यों झेलनी पड़ रही है इन छात्रों को? पूरी विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए व्यूअर पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश सरकार है। जब सरकार अपने मुख वचन पर रहती तो समझिए 6 जनवरी को आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल चुकी होती, लेकिन सरकार ने खुद जानबूझकर इस मामले को उलझाया है, फंसाया है। वो भी जानती थी कि किस तरीके से मामले को उलझाया जा सकता है और वही पेच इन्होंने अपनाया। और कोर्ट ने भी आप लोगों को कम मानसिक प्रताड़ना नहीं दी है। आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कोर्ट की रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से सरकार को तगड़ा झटका लगा है। झटका क्या लगा, सरकार यही चाहती ही थी। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भर्ती में 69,000 पदों के अतिरिक्त किसी भी पद पर नियुक्ति ना की जाए और गैर विज्ञापित रिक्त पदों को किसी भी दशा में ना भरा जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने आलोक सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षकारों को 18 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह 3.80% आरक्षण दिया गया, इसी प्रकार एससी को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया, जो पूरी तरह गलत है। यह भी आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 19,000 सीटों पर आरक्षण देने में घोटाला हुआ है। सरकार ने 19,000 सीटों के सापेक्ष मात्र 6800 सीटें ही याचिका में कहा गया है। भर्ती प्रक्रिया में सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का घोर उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार विज्ञापन जारी किए बगैर एक भी सीट पर भर्ती नहीं कर सकती। इस भर्ती का मूल विज्ञापन 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का है। ऐसी स्थिति में विज्ञापित पदों के अलावा एक भी सीट पर नियुक्ति नहीं हो सकती है। लखनऊ बेंच ने भी लगाई थी रोक। इससे पूर्व हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजन राय ने सरकार को इस भर्ती पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया, साथ ही अगले आदेश तक कोई भी भर्ती नहीं करने का आदेश दिया था। सरकार को लगातार दूसरी बार हाईकोर्ट से लगा है। कोर्ट ने कहा कि गैर विज्ञापित रिक्त पदों पर पदों को ना भरा जाए, यानी सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो गई है। आप लोगों का जो 6800 का मामला है मित्रों, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिल जाए, लेकिन जो आप लोगों का 6800 का मामला है वो अब पूरे तरीके से खिचड़ी बन चुकी है। इसमें अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अब क्या होगा, राम भरोसे वही वाली कहावत है, क्या आगे होगा ना हम बता पाएंगे ना आप खुद बता पाएंगे। ये है कि सरकार ने जानबूझकर आप लोगों का जो मामला है इसको इस तरीके से उलझा दिया है कि अब किधर जाएगा, क्या होगा। अगर सही मायने में आरक्षण पीड़ित छात्रों के साथ में जो अन्याय हुआ है, जो 6800 सेलेक्ट हुए हैं उनको आप लोग निकाल कर बाहर कीजिए और जो हमारे 6800 भाई बहन हैं उनको आप लोग नियुक्ति दीजिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ निरंतर आप लोग बने रहिए।